जा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें शुक्रिया बसमिल्ला रहीम अलविपीडिया में खुश आमदीद मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट पार्ट थ्री आइए शुरू करते हैं नंबर वन ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइस इज़ कॉल्ड कुरेक्ट ऑप्शन है ड्राइवर जब हम कंप्यूटर के साथ कोई और हार्डवेयर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो हम उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जैसे कंप्यूटर के साथ अगर आप प्रिंटर अटैच करेंगे तो प्रिंटर का ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कंप्यूटर या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम को उस डिवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नंबर टू बैटरी ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज टू करेक्ट ऑप्शन है सेव टाइम एंड बायोस इंफॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो मदरबोर्ड पर लगी हुई ये बैटरी टाइम को भी सेव रखती है और बायोस की इंफॉर्मेशन को भी सेव रखती है सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स आर एग्जांपल्स ऑफ करेक्ट ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइसेस। सीडी और डीवीडी ड्राइव्स में डाटा स्टोर होता है रोम इज एन एग्जांपल ऑफ करेक्ट ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर ऑफ होने की सूरत में भी महफूज रहता है जबकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है जब आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो रैम में स्टोर डेटा सेव नहीं रहेगा विच ऑफ डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली करेक्ट ऑप्शन है रैम स्टोरेज डिवाइस इनसाइड द कंप्यूटर इज करेक्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स करेक्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक्स joystick. की मदद से हम अच्छे तरीके से गेम्स को खेल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्ले एंड ही साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स करेक्ट ऑप्शन है साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स कंप्यूटर से आवाज सुनने के लिए उसमें साउंड कार्ड का होना और स्पीकर्स का होना जरूरी है वट इज अरवाल इन कंप्यूटर नेटवर्क करेक्ट ऑप्शन है अस्टम टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस फायर वॉल एक सिस्टम है जो कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस से महफूज रखता है डैश

पी एन जी जे पैग जे पी इजी एंड गिफ या जी आई एफ आर पॉपुलर डैश फाइल फॉर्मेट्स कुरेक्ट ऑप्शन है इमेज ये इमेज के फाइल फॉर्मेट्स हैं पी एन जी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जे पैग या जे पी इजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप की एब्रीविएशन है और जी आई एफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट की एब्रीवियशन है वेव एंड एम पी थ्री आर पॉपुलर डैश फाइल फॉर्मेट्स करेक्ट ऑप्शन है ऑडियो ये ऑडियो के फाइल फॉर्मेट्स हैं वेव डब्ल्यू ए वी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट की एब्रीवियशन है एम पी थ्री एम पी ई जी ऑडियो लेयर थ्री की एब्रीवियशन है जिसमें एम पी ई जी से मुराद मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है एम पी फोर एंड ए वी आई आर पॉपुलर डैश फाइल फॉर्मेट्स करेक्ट ऑप्शन है वीडियो एम पी फोर एब्रीविएशन है एम पी ई जी फोर ए वी सी एडवांस्ड वीडियो कोडिंग और ए वी आई एब्रीविएशन है आडियो वीडियो इंटरलीव आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये फाइल फॉर्मेट्स वीडियो के हैं इमेज के हैं या ऑडियो के हैं एम पी थ्री ऑडियो फाइल्स होती हैं जबकि एम पी फोर फाइल्स जो हैं उनमें आडियो भी होती है वीडियो भी होती है और इमेज भी होती हैं एस वी जी स्टैंड फॉर क्रेक्ट ऑप्शन है जो ज्यादातर एनिमेशन में इस्तेमाल होती है वेव डब्ल्यू ए वी फाइल फॉर्मेट वॉज डिवेलप्ड बाई क्रेक्ट ऑप्शन है आई बी एम एंड माइक्रोसॉफ्ट वेव म ऑडियो फाइल फॉर्मेट की एब्रीविये मूव एमओवी फाइल फॉर्मेट वॉज डिवेलप्ड बाई करेक्ट ऑप्शन है एप्पल मूव फाइल इज अ कॉमन फाइल फॉर्मेट डिवेलप्ड बाई एप्पल एंड कंपेटिबल विथ बॉथ मैकिनटोश एंड विंडोज प्लेटफॉर्म एच पी ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री करेक्ट ऑप्शन है यूएसए द्यूलेट पैकर्ड कंपनी कॉमनली एच पी एन अमेरिकन मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्ट इन कैलिफोर्निया द कंपनी वॉज फाउंडेड इन अ वन कार गैराज इन पेलो एल्टो कैलिफोर्निया बाई बिल एंड डेविड पैकर्ड इन नाइनटीन थर्टी नाइन The HP garage at 367 Edison Avenue is now designated an official California historical landmark and is regarded as the birthplace of Silicon Valley. Dell company belongs to which country? Correct option hai USA. Adobe Photoshop ya Adobe Photoshop software is used for? Correct option hai image एडिटिंग एडोबी फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ इमेज एडिटिंग होती है बल्कि इसमें लोगो डिजाइन होते हैं इसमें वेबसाइट्स डिजाइन होती हैं इसके अलावा इसमें काफी ज्यादा ग्राफिक्स का काम होता है एम एस पेंट इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Paint Graphics का एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, जिसमें बच्चे ड्राइंग और पेंट करना सीखते हैं। YouTube is an American online video sharing platform headquartered in, correct option है California। WhatsApp is owned by, correct option है Facebook। The client application was created by WhatsApp Incorporation of Mountain View, California, which was acquired by Facebook in February 2014 for approximately 19.3 billion US dollars. Jack Ma, a Chinese businessman, is the founder of, correct option hai, Alibaba Group. जैकमा इज अजनस टाइकोन ऑफ चाइना हु फाउंडेड अली बाबा ग्रुप गूगल ड्राइव इज अर्विस डिवेलप्ड बाई गूगल कुरेक्ट ऑप्शन है फाइल स्टोरेज गूगल ड्राइव गूगल की एक सर्विस है जिसमें आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं ये फिफ्टीन जी बी तक डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं उससे ज्यादा अगर आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है डैश इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड सब फोल्डर्स करेक्ट ऑप्शन है फोल्डर फोल्डर के अंदर हम रिलेटेड एक जैसी फाइल्स रखते हैं और इसके अंदर मजीद फोल्डर्स भी हम रख सकते हैं जिनको सब फोल्डर कहते हैं जैसे यहाँ पे पहला फैमिली का फोल्डर है म्यूजिक का फोल्डर है हॉबी का फोल्डर है इस तरह और फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं अ फोल्डर इज अ डैश करेक्ट ऑप्शन है स्टोरेज स्पेस अ फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड अ डैश करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टरी टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप इन विंडोज राइट क्लिक एंड सिलेक्ट न्यू एंड देन फोल्डर अ फाइल इज द कॉमन डैश इन कंप्यूटर। करेक्ट ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट अ स्मॉल डैश आइकन रिप्रेजेंट ईच फोल्डर करेक्ट ऑप्शन है येलो विच प्रोग्राम हेल्प अस टू मैनेज अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। करेक्ट ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर इंस्टॉलेशन एड प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स टू करेक्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल्स और फोल्डर्स हार्ड डिस्क में ऐड हो जाते हैं द एक्सटेंशन इज यूज टू आइडेंटिफाई द डैश ऑफ द फाइल करेक्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ द फाइल एक्सटेंशन से हमें फाइल की टाइप का पता चलता है जैसे ये पहली फाइल है इनवाइट डॉट डी ओ सी एक्स डी ओ सी एक्स वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन है इसी तरह जेलीफिश डॉट ए वी आई ये वीडियो फाइल है माउंटेन डॉट जे पी जी ये इमेज फाइल है इस तरह पेंटिंग डॉट पी एन जी भी इमेज फाइल है फाइल की एक्सटेंशन हमें फाइल की टाइप के बारे में बताती है कि वो डॉक्यूमेंट की फाइल है वो ऑडियो की फाइल है वो इमेज की फाइल है या वो किसी और टाइप की फाइल है डैश इज लोकेशन ऑफ द फाइल करेक्ट ऑप्शन है पाथ जैसे ये एक फाइल का पाथ दिया गया है जिसमें पता चलता है कि ये फाइल सी ड्राइव पर यूजर्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स में डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी हुई है द रिसाइकल बिन डैश इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। करेक्ट ऑप्शन है फोल्डर रिसाइकल बिन भी एक फोल्डर होता है जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है वहां से हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं लेकिन जब हम रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दें तो फिर उसे वापस लाना मुश्किल होता है द डिस्क ड्राइव्स ऑन द कंप्यूटर आर ट्रीटेड एज करेक्ट ऑप्शन है फोल्डर्स डिस्क ड्राइव्स भी फोल्डर्स की तरह होती हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं अ फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स करेक्ट ऑप्शन है मेन कंपोनेंट एंड एक्सटेंशन फाइल नेम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसमें पहला हिस्सा मेन कंपोनेंट कहलाता है जबकि दूसरा हिस्सा एक्सटेंशन कहलाता है जैसे ये एक फाइल है जिसका नाम है इमेज डॉट पी एन जी इसमें इमेज मेन कंपोनेंट है और पी एन जी उसकी एक्सटेंशन है जबकि दरमियान में एक पीरियड है जो इन दोनों को सेपरेट करता है विच इज़ नॉट एन पल ऑफ अ फाइल एक्सटेंशन इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी डॉट स्लैश जी आई एफ ये किसी फाइल की एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि फाइल की एक्सटेंशन डॉट से शुरू होती है पीरियड से शुरू होती है और उसके बाद तीन या चार अल्फाबेट्स होते हैं विच सॉफ्टवेयर इज नॉट एन फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, करेक्ट ऑप्शन है फ्लैश विन रॉ विप और सेवनजिप ये तीनों सॉफ्टवेयर फाइल को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल से हम किसी भी यूजर अकाउंट का नाम और उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं

आमतौर पर टेक्स्ट का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें किसी डेटा का लिंक जो है वो अटैच होता है जैसे अलवीपीडिया हाइपर लिंक है इसको क्लिक करेंगे तो आप अलवीपीडिया की वेबसाइट पर चले जाएंगे आमतौर पर हाइपर लिंक ब्लू कलर के होते हैं और अंडरलाइन होते हैं बाय डिफॉल्ट टास्क बार इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ स्क्रीन इन विंडोज करेक्ट ऑप्शन है बॉटम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पे होती है डैश डिस्प्लेज टाइटल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट ऑफ द विंडो करेक्ट ऑप्शन है टाइटल बार टाइटल बार से हमें पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और जो विंडो ओपन है उसमें क्या कंटेंट है दैन्यू बार इज डायरेक्टली बिलो द डैश एंड इट डिस्प्लेज दैन्यू कुरेक्ट ऑप्शन है टाइटल बार मेन्यू बार टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होती है और ये मेन्यू को डिस्प्ले करती है जिसमें फाइल एडिट व्यू और टूल्स की तरह की ऑप्शन होती है डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड कुरेक्ट ऑप्शन है स्पेस बार कीबोर्ड पर सबसे लंबी की जो होती है वो स्पेस बार की होती है टू टाइप लॉन्ग टैक्स इन कैपिटल लेटर्स टर्न कैप्स लॉक ऑन अगर आप कैप्स लॉक के बटन को एक दफा प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा तब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा कैप्स लॉक की इज अ डैश करेक्ट ऑप्शन है टोगल की टोगल की ऐसी की होती है जिसे एक दफ़ा प्रेस करने से उसकी फंक्शनैलिटी बरकरार रहती है जैसे कैप्स लॉक को आप एक दफ़ा प्रेस कर देंगे वो ऑन हो जाएगा तो तब जो भी आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा और अगर एक दफ़ा दोबारा प्रेस कर देंगे कैप्स लॉक तो वो ऑफ हो जाएगा अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा हैज दूज एज क्लिकिंग ऑन एन ओके बटन करेक्ट ऑप्शन है एंटर एंटर की की का सेम फंक्शन है जैसे हम ओके okay के बटन को प्रेस करते हैं